कुछ दिनों से मैं सर्च कर रहा था नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स का। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझको मिला है ओजीवा का प्लांट बेस्ड डीएसटी ब्लॉकर्स, और जो कि है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन स्टैंडर्डाइज प्लांट एक्सट्रैक्ट्स का है, जो हेल्प करेगा हमारे डीएसटी को ब्लॉक करने में, इनहिबिट्स करने में, कंट्रोल करने में। ब्रिटल बाल जो रहते हैं, बहुत ही कमज़ोर बाल, उसको इम्प्रूव करने में, रीग्रोथ वाइज भी इम्प्रूवमेंट ये कराएगा अगर हम इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, ओजीवा का प्लांट बेस्ड डीएसटी ब्लॉकर को यूज़ करते हैं फॉर एटलीस्ट 4 to 6 मंथ एज़ पर इसकी कंपनी, इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग। और भाइयों, ये कोई भी प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन वीडियो है ऑन द बेसिस ऑफ इसके इंग्रेडिएंट्स। इस प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट एडेड हैं और क्या ये प्रोडक्ट को बेहतर और बनाता है, प्लस किनको इसको यूज़ करना चाहिए, किनको यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ इसका प्राइस भी। अगर भाइयों ये सब आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार भाइयों एंड वेलकम बैक टू स्टॉक हेयर फॉल सून। में चैनल बनाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहें। भाइयों, जैसे कि आप सबको मालूम है, ओजीवा इज इक्वल्स टू प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स। टोटली प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स का ही ओजीवा कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है वो रहता है। और डीएसटी ब्लॉकर अगर इन्होंने लॉन्च किया है, अराउंड 1 साल पहले से ही इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन मैं इससे साथ मिला हूँ ऑनलाइन सर्च करने के बाद कुछ ही दिनों पहले, तो मैं ज़्यादा ही अट्रैक्टेड हो गया और इसको ख़रीद लिया। और भाई लोग, जैसे कि आप सबको मालूम है, एलोपैथिक मेडिसिन्स हम ले तो लेते हैं, फिनेस्ट्राइड जैसे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, फिनपेशिया, फिनोला, हम ले तो लेते हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स बहुत ही जल्दी रिजल्ट लाने के लिए, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं बने रहते हैं। इसलिए हम जैसे बंदे हमेशा सर्च करते हैं कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स का, कुछ प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स का प्रोडक्ट का, जिससे हम अपने रिजल्ट को मेंटेन करें, अपने बालों को मेंटेन करके रखें रीग्रोथ वाइज, प्लस कोई नुकसान ना हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना हो, जैसे कि हम सबको मालूम है फिनेस्ट्राइड के रहते ही हैं। यही कारण है भाइयों, बिकॉज ऑफ विच मैंने भी बाय किया ओजीवा का प्लांट बेस्ड डीएसटी ब्लॉकर्स। अब सबसे पहले आ जाते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या एडेड हैं। जैसे कि इस पे ही अपडेटेड है, इस पे बीटा सिटोस्ट्रोल एडेड है, जो बोला जाता है कि बहुत अच्छा डीएसटी इनहिबिटर्स है, डीएसटी को प्रोडक्शन को कम करता है और हेल्प करता है हेयर रीग्रोथ में। अलॉन्ग विथ इट इसमें एडेड है पम्पकिन सीड्स, जो कि सबको मालूम है भाइयों, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में मैग्नीशियम रहता है, आयरन रहता है, जिंक रहता है, और जो हेल्प करता है 5-अल्फा रिडक्टेज की एक्टिविटीज़ को ही रोकने में, जिससे डीएसटी का प्रोडक्शन ही नहीं होता है। तो भाइयों, हम लोग तो नेचुरली ही भी जानते हैं कि पम्पकिन सीड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों की इम्प्रूवमेंट के लिए, और लेते ही रहते हैं पम्पकिन सीड्स। लेकिन अगर ज़्यादा कॉस्टली आप लोग को लगता है तो उसी का एक्सट्रैक्ट वाइज अपन ले सकते हैं ये मेडिसिन या टैबलेट के रूप में भी। अलॉन्ग विथ इट इसमें एडेड है स्टिंगिंग नेटल। स्टिंगिंग नेटल बोला जाता है कि एक स्टिंगिंग नेटल प्लांट से बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में सल्फर एडेड रहता है, जो बहुत अच्छा हेल्प करता है हमारे बालों में इम्प्रूवमेंट दिलाने के लिए, ब्रिटलनेस कम करने के लिए। अलॉन्ग विथ इसमें एडेड है पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट्स। जो पाइन बार्क ट्री रहती है उसकी छालों का ये बनाया जाता है, बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और ये भी हेल्प करता है 5-अल्फा रिडक्टर्स की एक्टिविटीज़ को ही रोकने में। तो भाइयों, इस का कॉम्बिनेशन ही है, इसका इंग्रेडिएंट इसमें ही एडेड है, और कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड डीएसटी ब्लॉकर्स है, बिकॉज ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इंग्रेडिएंट इसमें एडेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ये अलग क्यों करता है, बिकॉज इट में कोई भी नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट एडेड नहीं है, इंग्रेडिएंट एडेड नहीं है, प्योरली वेजिटेरियन है,
सोया फ्री है, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में बहुत सारी मेडिसिन जो प्लांट बेस्ड रहती है अपने इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सोया प्रोडक्ट एडेड करती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इवन सोया प्रोडक्ट्स हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, जो कि कहीं ना कहीं नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों को दिला सकता है। प्लस इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं है और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कुछ भी इसमें एडेड नहीं है, टोटली नेचुरल प्रोडक्ट है। यही इस प्रोडक्ट को ओजीवा प्लांट बेस्ड डीएचटी ब्लॉकर्स को बाकी डीएचटी ब्लॉकर्स से अलग करता है। अब आते हैं भाइयों कि किन को इसको यूज़ करना चाहिए और किन को नहीं। जिन भी बंदों या बंदियों का हेयर फॉल हो रहा है, प्लस अराउंड 3/4 तक का भी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक का भी ग्रेड ऑफ बाल्डनेस है, उसको वो बंदे इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और जो हेल्प करेगा उनकी बालों को मेंटेन करने में। जो कम अमाउंट ऑफ विजिबिलिटी रहती है स्कैल्प की, उसको कवर अप करने में भी हेल्प करेगा, लेकिन फोर्थ या फोर्थ ग्रेड के बालनेस के अबव ये इसमें हेल्प नहीं करने वाला, बिकॉज वो केस में बालों का जो फॉलिकल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाते हैं, बहुत ही कम उन बंदों में ये हेल्प करने वाला है। प्लस किनको यूज़ इसको नहीं करना चाहिए, इसमें वेरी क्लियरली दे हैव मेंशनड कि भाई प्रेग्नेंट वीमेंस, लैक्टेटिक वीमेंस, इनको पॉसिबल हो तो ना यूज़ करें, और एल्डरली पीपल्स, प्री मेडिकल कंडीशन जिसका है वो कंसल्ट करें ओजीवा के फिजिकल कंसल्टेंट से, तभी जाके इसको यूज़ करें। इसके अलावा कोई भी बंदा या बंदी जिसकी एज इज़ अबव 18 कैन यूज्ड प्लांट बेस्ड डीएसटी ब्लॉकर और अपने बालों को मेंटेन कर सकता है लंबे समय तक। अब आते हैं कि भाइयों इसका प्राइस क्या है, प्राइस रेंज क्या है, बिकॉज ये कैप्सूल आती है, एक जो प्रोडक्ट है, एक जो ये पैक है, इसमें आती है अराउंड 60 कैप्सूल्स और हमको लेना है वंस अ डे, तो अराउंड 2 महीना तो कैसे ना कैसे चलने ही वाली है विदाउट एनी डाउट। प्लस इसका प्राइस रेंज पे अगर आते हैं तो ये आता है प्राइस 599 का, इसमें MRP जो अपडेटेड है 599 अपडेटेड है, तो अगर हम इनकी वेबसाइट से या फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफ़र मिल ही जाता है, कुछ ना कुछ कूपन इसके थ्रू मिल ही जाता है, और जिससे हम लोगों को अराउंड 450-500 के इन बिटवीन ये हम लोगों को ऑनलाइन मिल ही जाएगा, तो ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं है, बिकॉज 2 महीने का अगर देखें तो इसका कॉस्ट इज़ इक्विवेलेंट टू 250 रुपीज़ पर मंथ का, और जो कोई भी नॉर्मल बंदा जो हेयर फॉल से ज़्यादा ग्रस्त हो चुका है, बहुत ही थक चुका है, दे कैन ऑप्ट फॉर दिस प्रोडक्ट्स और बालों को लंबे समय तक मेंटेन कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन कर सकता है। आई होप भाइयों आज का वीडियो, जो कि टोटली नॉन प्रमोशनल वीडियो है इस प्रोडक्ट का, ओजीवा प्लांट बेस्ड डीएचटी ब्लॉकर्स का, आप लोगों को अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है। भाइयों शेयर बहुत कम हो रहा है वीडियोस, बिकॉज ऑफ विच व्यूज़ तो बहुत कम आते हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ लगता है, जिसके वजह से मन करता है कि भाई वीडियोस ना अपलोड करें, बिकॉज लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना स्कैल्प शो करना और इम्प्रूवमेंट वाइज रिजल्ट शो करना, तो ही यही रीज़न है बिकॉज ऑफ विच मैं अपलोड करता रहता हूँ। फिर भी चाहें तो शेयर करें ताकि ये भाई की हेल्प हो सके, बिकॉज आई एम पुटिंग लॉट्स ऑफ माई एफर्ट्स फॉर अपलोडिंग अ सिंगल वीडियो। अगर आपको यह बात लगती है सही तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलें भाइयों आज के